जैसा कि आपको मालूम है, आज लेटे हुए हनुमान मंदिर जो बहुत ही प्राचीन है, यहाँ पर कल रात में एक घटना घटी जिसमें ये हमारे शनिदेव जी की मूर्ति को खंडित किया गया। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति जो है उसको यहाँ खंडित किया गया, ध्वज जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ जो मंदिर के प्रांगण के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने बेहतर काम किया और बड़ी घटना होने से बचाया। लखनऊ पुलिस ने भी बेहतर काम किया, उसको अरेस्ट कर लिया। और करने के बाद कल रात में हम लोग ने उनसे बात की थी, प्रशासन के लोगों से, मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब हिंदू महासभा की दो प्रमुख मांगे हैं कि ये जो साजिशकर्ता आया था, इसके पीछे कुछ बड़े साजिशकर्ता हो सकते हैं और उनको चिन्हित किया जाए। दो समुदाय के बंटने का जो मामला है तो इन पे रासुका लगाई जाए, क्योंकि रासुका इसलिए जरूरी है कि दो समुदाय यहाँ पर बंट रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरा कहना है कि ये हमारी जो तो प्रमुख मांगे रासुका की और मुख्य साजिशकर्ता को पूछताछ करके सामने लाया जाए, इनको लेकर के हम उनसे मांग कर रहे हैं। अगर ऐसी मांगों को नहीं पूरा किया जाता तो हम लोग सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। और आभार व्यक्त करता हूँ इस मंदिर की सोसाइटी का और लखनऊ पुलिस का।